हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपको हम बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के वार्ड क्रमांक 10 मेढ़ौली में। कहा जाए तो सिंगरौली को प्रकृति का वरदान है। कहीं ना कहीं आज यहाँ के गांव के लोगों को आप देख सकते हैं जिनके पास सरकार की ओर से कोई ऐसी सुविधा तो अभी तक उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पानी की सुविधा ठीक से हो, क्योंकि यहाँ के पानियों में अक्सर मोर्चा वाला पानी मिलता है, आयरन से ज़्यादा युक्त पानी मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें, जो पीने लायक नहीं होता, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे लगभग हम लोग तीसरी बार ऐसा आपके सामने ये वीडियो दे रहे हैं। आज हम वार्ड क्रमांक 10 में मौजूद है और यहाँ पर भी देखिए प्रकृति ने किस प्रकार से यहाँ के लोगों को जल प्रदान किया है। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी मुलाकात इनसे हुई जब ये अपने कांधों पर लगभग 10-10, 15-15 लीटर के बाल्टी में पानी भर करके एक ड्रॉम में डाल रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि क्या स्थिति यहाँ पर पानी की, तो इन्होंने बताया कि भैया लगभग आधा किलोमीटर हमें यहाँ पर पैदल आना होता है और यहाँ पर जल स्रोत है जो कि ज़मीन के अंदर से पानी आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पानी भर रहे हैं। नाम क्या भैया आपका? जय मंगल प्रजापति। तो प्रजापति जी, ये पानी आप यहीं से लेते हैं? यहीं से लेते हैं। तो ये जो जल स्रोत है जहाँ से पानी आ रहा है, कितने सालों से है? अरे कम से कम लगभग 200 साल हो गया। 200 साल से ऊपर है? बहुत दिनों से 20 साल कम मैं बता रहे हैं। 20 साल कम आप बता रहे हैं। तो पूरा का पूरा ये वार्ड क्रमांक 10 जो आप मेढ़ौली बता रहे हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, पूरे लोग यहाँ से पानी लेते हैं? हाँ, पूरा लोग यहीं से लेते हैं। अच्छा, क्या आपके मोहल्ले में या आपके क्रमांक वार्ड क्रमांक में हैंडपम्प ठीक नहीं है? नहीं है ठीक। तो इसकी कभी आप लोगों ने शिकायत की नगर निगम में? करते हैं तो सुनते नहीं हैं। तो मतलब ऐसे में आप लोगों के लिए भगवान साबित हो रहा है? हाँ, ये भगवान साबित हैं हम लोग लिए। हाँ। अच्छा, तो बरसात में कैसे आप लोग करते हैं? बरसात में तो ये नाला जो है, ये नदी जो अभी बह गहरी बरसात में कुआं में हो जाता है पानी। अच्छा, कुआं में हो जाता है। हाँ, उसे तो भर लेते हैं। यहाँ का पानी आप लेकर जाते हैं तो सीधा पानी पी लेते हैं या छान लेते हैं? नहीं, छानते भी हैं, नहीं छानते हैं, पिया जाता है। अच्छा, पी लेते हैं। हाँ, पी लेते हैं, क्या करें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकृति के गोद में बसा ये जो स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जल किस प्रकार से लोगों को प्रदान हो रही है प्रकृति माँ के थ्रू। और आइए लोगों से और हम बात करेंगे और जानेंगे कि सिर्फ जल की समस्या यहाँ पर है कि और भी कुछ समस्या है। आइए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए, इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या आपका? गौरी शंकर। आप यहीं रहते हैं जी? कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ रहते हैं? अरे हो गया हमको यहाँ 30-40 साल हो गया। 30-40 वर्ष हो गए। तो कैसी कैसी समस्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए भाई, समस्या वैसे बहुत है। मान चलिए कि यहाँ पानी भी आदमी भर के पीता है और रोड का भी समस्या है, नहीं है जो किरात बिरात हम लोग इस साइड जाते हैं। अच्छा। उस भी इतना धूला उड़ता है, क्या कहें, मतलब प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण सड़कें नहीं है, है ना, और पानी की समस्या, पानी की वो समस्या तो हमारे सामने ही दिखाई दे रही है। बरसात में है तो बरसात में आदमी कुएं से भर के पी लेता है, बरसात में पानी हो जाता है, लेकिन बरसात के बाद इधर मान लीजिए कि बहुत समस्या है पानी वाला। आप लोगों के यहाँ शौचालय है, बना है? नहीं, शौचालय नहीं बना। शौचालय नहीं। तो फिर आप लोग शौच के लिए बाहर जाते होंगे? हाँ, बाहर जाते हैं हम लोग, क्या करें भाई, शौचालय नहीं है ना, बनवा पाए तो क्या करेंगे, बाहर तो जाएंगे। तो ये जो हालात है आपके समक्ष है वार्ड क्रमांक 10 के आज मेढ़ौली में हम खड़े हैं, जहाँ पर लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है एक जल प्रपात, जहाँ से एक जल का स्रोत है जहाँ से लोग पानी लेते हैं। पूरा का पूरा वार्ड जो यहाँ मेढ़ौली है, यहाँ के पूरे लोग यहाँ से पानी प्राप्त करते हैं। और आपको हम वो भी दिखाएंगे कि इस प्रकार से पानी लेकर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पानी लेकर लोग आते हैं, किस प्रकार से पानी लेकर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से पूरी पहाड़ को इनको चढ़ना होता है और कंधों पर ऐसा ये लगभग दिन में 10-15 बार करते हैं अपने घर के जल से संबंधित आपूर्तियों को पूरा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी की व्यवस्था करना, इन सभी जगहों की जो व्यवस्था होती है, जिन भी आवश्यकताओं की पूर्ति, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति इसी छोटे से चट्टान से जो पानी निकल रहा है
बस उसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कल्पना अगर की जाए कि अगर यहाँ पर इसे भी कुछ हो जाता है या इसमें भी पानी आना बंद हो जाए तो यहाँ के लोगों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोलकोल पोस्ट की ओर से चयन। बता चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।